सर्विस करता है तो सर्विस नो अनुभव एना छोकरा ने आपी सकता नहीं कि शेयर करी सकता नहीं बराबर। पण अहींया तो एवं है कि खेती में होय के कोई बिजनेस होय तो बिजनेस नी अंदर एना पितानो जे रोल है ये बेटो करतो ज आवे छे अने एमां जे सक्सेस जाय छे। एमां खेती में एवं है कि खेती में हूँ मारा पिताजी जोड़े थी शीख्यो तो अने एना जोड़े हूँ शीख्यो मारी जोड़े मारो बाबो शीख्यो ने एना जोड़े एनो बाबो शीखवानो छे अने आप जोई रह्या छो के तीजी पेढ़ी अमारी तैयार थाय छे। धारो के 50 किलो हो एक छोड़ा ऊपर तो एना मांथी 10 किलो वेस्टेज जाए तो 40 किलो निकली सके। हाइट ऊंची थी जाए त्यारे आना में जे क्रॉसिंग करवू पड़े छे ए आपणे ड्रोन थी पण करी सकीए आनी अंदर अथवा पछी हाइड्रोलिक पेली ट्रॉली आवे छे एनाथी पण करी शकाय। स्वागत छे तमारू द रूरल वेब यूट्यूब चैनल पर। आजे आपने छीए सुंदर खारेकना खेतरमा शांतिपुरा कंपाना शांतिभाईना खेतरे जे आपने खारेकनी खेती विषे माहिती आपशे। मारू नाम शांतिभाई लालजीभाई पटेल शिवपुरा कंपा तालुको जिलो गांधीनगर। अमे अहीं पहला चीला चालू खेती करता था बधी वडीलो पार्टी जी हती तो पछी आमां अमे थोड़ा सुधारो लाया अने अत्यारे अमे बटाका अने मगफळीनी खेती करीए छीए। पण एमांय अमने थोडुंक एम लाग्युं के भाई हजू कंईक आपणे खूटे छे एम एटले अमे खारेकनी खेती तरफ वळ्या। खारेकनी खेतीमां अमारो आ गांधीनगर जिल्लामां अने उत्तर गुजरातमां पहेलो ज प्रयोग हतो अने अमने एम हतुं के अनुकूळ आवशे के नहीं आवे पण अमे पहेला देशी खारेक वावेली हती एना अनुभवो प्रमाणे अमने एम लाग्युं के अहीं थशे ज एटले अमे टिश्यू कल्चरना रोपा लाया अने अमे 150 छोड़वाथी अखतरो चालू कर्यो अने अत्यारे अमने एम लागे छे कि आज 6ठुं वर्ष छे आप छोड़ जोई शको छो तो अमने एनुं सारुं परिणाम मळ्युं छे अने अमने तो अमे सक्सेस छीए एवुं लागे छे। अने कच्छ करतां पण आ खारेक मीठी छे अने 1 महीनो वहेली आवे छे अने कच्छनी हवे खारेक आवशे पण अमारे 50% अत्यार खारेक उतरी गयेली छे। अत्यारे अमारी जोड़े 192 छोड़ है एम 150 छोड़ टिश्यू कल्चर है बाकीना देशी छोड़ पर है कारण के आमां नर अने मादा बे आवे छे एटले नरना फूल जे छे ए फेब्रुआरी महीना में ज्यारे आवे मादाना फूल अने नरना त्यारे आपणे एने क्रॉसिंग करवू पड़े छे। नरना फूल पेला मादाना उपर आपणे कंकेरवा पड़ता होय छे एटले नर अने मादाना छोड़ जोईए एटले अमे 42 छोड़ बी मांथी तैयार करेला वाव्या छे बाकीना 150 छोड़ टिश्यू कल्चर छे। खारेकना छोड़वा क्यांथी लाव्या हता एटले अमे 6 वर्ष पहला छोड़ आणंद कृषि यूनिवर्सिटी में लावेला अने ए वखते आनो भाव 1500 रुपया तो टिश्यू कल्चरनो एटले अमे 150 अत्यारे छोड़वा छे अने 42 छोड़वा देशी खारेकना छे एटले ए अमे एमां नर अने मादा बे आवे देशी जे आवे एमां 60% नर आवे जो बी उपरथी आपणे तैयार करीए प्लांट तो अने 40% मादा आवे अने एमांय वेरिएशन घणुं आवे दरेक छोड़वा वाइज प्रोडक्शन में फरक पड़े पछी एनी साइज में फेर पड़े कलर में फेर पड़े अने मोटा मोटो एना मीठास में फेर पड़े। तमे जे आ टिश्यू कल्चरना जे रोपा छे एमां दरेक छोड़नी साइज सरखी कलर सरखो एनी मीठास सरखी अने आ टिश्यू कल्चर जे आपणे वावेतर कर्युं छे एनी अंदर तमारे घरामां डचूरो नहीं बाजे अने आपने एटली मिठास है कि एम लगे कि नेचरल आपणे वस्तु खाई सकीए छे। उत्पादन क्यारथी मळवानुं चालू थाय छे? अमे वाया पछी 3जा वर्षे आपणे वेची सकीए एवो एनी अंदर माल आवे छे खारेक तैयार थाय छे एटले 3जा वर्षथी एनुं प्रोडक्शन चालू थाय अने जेम वर्ष वधता जाय एमां एमां प्रोडक्शन वधतुं जाय। अत्यारे आ 6ठा वर्षनो छोड़ छे एनी अंदर 50 થી 60 કિલો आप जोई सको छो एटलो एमा अतार उत्पादन आपणे लई सकीए छीए। बागायत खेतीथी आवकमां वधारो के घटाडो? आवकमां केवुं छे के आवक तो वधे ज आमां नियम ज छे। तमे कोई पण बागायत खेती करो जे अनाजनी खेती करता होय एना करता बागायतमां वधारे ज मळवानुं छे पण आ 12 મહિનાનો एक ज पाक थाय छे अने आमां थोडीक शुं छे आपणे दरकार वधारे राखवी पड़े छे। पेलामां जेम वावेतर कायम दर वखते करवू पड़े छे आमां वावेतर नथी करवू पड़तुं પણ આમાં બીજું શું છે કે વેચવાની થોડીક મુશ્કેલી છે કે આપણે માર્કેટિંગ આનું ટફ છે। ખારેકની ખેતી માટે સરકારી યોજના અને સબસિડી અને ખેતી કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની વાત। જમીનમાં તો એવું છે કે પહેલાં અમે પ્લાન્ટ લઈ આવ્યા, પ્લાન્ટ લાવ્યા પછી આપણે એનો સરકારી માપ એવું છે 8 મીટર બાય 9 મીટરના ગાળે આપણે વાવવું પડે છે, તો જ આપણને એમાં 50% સબસિડી, 2500 રૂપિયાનો છોડ હોય તો 1250 રૂપિયા અત્યારે સબસિડી મળે છે। તો એ સબસિડી લેવી હોય તો એના નોર્મ્સ પ્રમાણે આપણે વાવેતર કરવું પડે। तो एम 8 मीटर बाय 9 मीटर गाड़ो है, एम 1.5 बाय 1.5 के 2 बाय 2 अपने 2 फूट ऊंडा अमें खाडा करेला। खाडानी अंदर अमें छाणियु खातर अने उधेव ना आवे एटा माटेने अमें प्रिकॉशन बधा लीधेला अने एनी अंदर पछी छोड़ लाया पछी एने अमें तपवा दीधेला 1 महीना माटे। ए तप्या पछी अमें ज्यारे 30 छोड़ लाया तो छोड़ लाया पछी अमें एने अंदर मूकी दीधा अने अमे ड्रीप लाइन अमेंथी पाणी आपीए छीए अने ड्रीपथी ज एनो उछेर कर्यो एटले तीजा वर्षे अने ए मादा हती ए बधानी अंदर प्रोडक्ट उत्पादन चालू थई गयुं छे। केवा प्रकारना जैविक खातर वापरवामां आवे छे? ना अमे ए वखते नता आपता पण हवे थोडुं चालू कर्युं छे अने हवे छोडवानी जरूरियात छे एटले जीवामृत छे, पछी गायनो छाण खातर छे ए अमे आपीए छीए अने दरेक वर्षे लगभग 8 થી 10 ટેલર अमे છૂટું છાણિયું ખાતર પાથરીએ છીએ। ખારેકના છોડ કેટલા અંતરે વાવેલા છે? અમારા ખેતરમાં અમારે શું છે, જમીન ફળદ્રુપ વધારે છે એટલે અમે 4 મીટર બાય 5 મીટરના ગાળે અમે વાવેતર કરેલું છે। અને પેલું જે છે ને એ રણ પ્રદેશનો વિસ્તારમાં હોય એનું સરકારી માપ છે 8 મીટર બાય 9 મીટરનું। खारेकनी वेचाण व्यवस्था ऑनलाइन मार्केटिंग अपन मिली रहे है। जो अमरी जोड़े तो प्रोडक्शन थोड़ूक लिमिटेड है, जो बल्क में एटली अपनी जोड़े होय तो बल्क माटे ऑनलाइन सगवड़ अत्यारे सरस है। एम एग्री मीडियावाड़ा एक काढ्यु है, एमनु एप काढ्यु है, एना में जो आपणो जो प्रोडक्शन है वेचवा मांडीए तो ए लोकोए सरस आपणो मालनो निकाल थई जाए एवी एमने व्यवस्था ऊभी करी है। बीजू मार्केटिंग में આપણે ઓનલાઈન વેચવું હોય તો એ વેચી શકીએ એપીએમસી દ્વારા અને આપણે આપણા માલનું પોતે જ ઈ કોમર્સ દ્વારા વેચવું હોય તો વેચી શકાય। ખારેકની ખેતીનો કુલ ખર્ચ? હજુની ખેતીમાં પહેલાં તો એના પ્લાન્ટ મોંઘા છે। જો આપણે ઇઝરાયલનો જો આપણે લાવીએ બરાહી વેરાયટી છે અને બીજી ખનેજી છે, ખનેજી લાલ કલર આવે છે અને બરાહી પીળા કલર આવે છે, જો એ આપણે લાવીએ તો એનો 4000 થી 5000 રૂપિયાનો ભાવ છે પર પ્લાન્ટ, તો એ મોંઘા પડે અને એ લાવ્યા પછી એમાં ત્રીજા વર્ષે ઉત્પાદન ચાલુ થાય। ખર્ચો તો રહેવાનો જ છે કારણ કે એને ખાતર પાણી છોડને આપવું પડે, તો દર લગભગ 15-20 દાડે એને પાણી આપવું પડે પ્લાન્ટને મોટો કરવા માટે, એટલે ત્રીજા વર્ષ પછી આવક ચાલુ થાય। એટલે સદ્ધર ખેડૂત હોય તો જ આ ખેતી કરી શકે અને ઉત્પાદન લઈ શકે અને વેચી શકે। ખારેકની ખેતી કરતા ખેડૂતને કેટલા કામદાર માણસોની જરૂર રહે છે? એક દાણો આપણે વીણવો પડે છે એનો, એટલે આમાં ટાઈમ લાગે છે અને માણસની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે। અને બીજું કે આમાં અમુક છોડમાં આ રહે છે ને એ કાચી રહી જાય, અમુક પાકી રહી જાય, એટલે આપણે આ પાકી જ આમાં તોડવી પડે। 150 પ્લાન્ટ છે એની અંદર અત્યારે 4 માણસ સફિશિયન્ટ છે, પૂરા છે, એટલે આમાં ઉતારવા માટે જ માણસો જોઈએ છે, બાકી તો અને બીજા દવા કે ખાતર કે કશું છે જ નહીં। છાણિયું ખાતર એક વખત નાખવાનું હોય 12 મહિનામાં, એ નાખી દેવાનું, બીજો તો આમાં કશું છે નહીં, ખાલી ઉતારવા માટે જ। કારણ કે અમારે આ જે દેશી જે છે આનો માતૃ છોડ આપણે જે વાવ્યા છે ટીસ્યુ, એનો માતૃ છોડ ગુજરાતના છે, એટલે એમાં ઇઝરાયલના જેમ પેલી લાંબી આખી આપણે લૂમ તોડી શકીએ એવું નથી। આમાં એક એનું આપણે ખારેક તોડવી પડે છે, તો એક દાણો તોડવા માટેની જે આપણે હોય 4 માણસ રાખવા પડે છે, એ ખારેક પાકે ત્યારે